ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान का बल संसार में बहुत बड़ा बल है। योग के सर्वोच्च सुख लेने के लिए, योग में संपूर्ण सफलता को पाने के लिए ज्ञान के बल की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान को यूज करके ही हम अपने मन को और अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा ही हमें मैं कौन हूँ इसका संपूर्ण ज्ञान होता है, और जब तक मैं कौन हूँ इस स्वरूप में हम स्थित न हुए, परमात्म स्वरूप में स्थित होना भी कठिन हो जाता है। तो हमें अपने अंदर ज्ञान का बल भी बहुत बढ़ाना है, जैसे ब्रह्मा बाबा को मुरली के प्रति बहुत रस था, बहुत आकर्षण था। मुरली सुनाना और सुनना, ये जैसे उनका जीवन था। इससे जीवन ज्ञान में हो जाता है। ज्ञान का चिंतन हमारे विवेक को दिव्य विवेक और सद विवेक में बदल देता है। मुरली सवेरे सवेरे हम सुनते हैं तो आत्मा में ईश्वरीय रस भरता है, उसके प्यार की गुड फीलिंग होती है, और सवेरे ही हमें कुछ ऐसे सुंदर विचार मिल जाते हैं जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जिससे हमारे विचारों में महानता आने लगती है। कोई छोटी मोटी कमी जीवन में काम कर रही हो वो समाप्त हो जाती है। इसलिए मुरली का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना, या सबसे अच्छी बात है क्लास में जाकर श्रेष्ठ स्थिति में बैठकर मुरली सुनना, इसकी बहुत जरूरत है। कई लोग मुरली को पढ़ लेते हैं फटाफट, 5-7 मिनट में इधर देखा उधर देखा, आगे पीछे का पढ़ लिया, मुरली हो गई। ये नियम निभाना, ये भी चलो कुछ न करने से अच्छा है, पर मुरली का रस प्राप्त करना, मुरली जीवन में रस भरती है, मुरली एक माधुर्य है, मुरली एक संगीत है, भगवान का गीत है, उसे उसी तरह सुनना, उसका रसपान करना, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि जिन्हें संपूर्ण बनना है उन्हें चारों ही सब्जेक्ट में फुल होना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया, दूसरा बहुत ढीला रहा, इससे संपूर्णता नहीं आएगी। तो हम ज्ञान के बल को अपने अंदर बढ़ाएंगे, क्योंकि मुरली सुनेंगे तो ज्ञान का चिंतन बहुत अच्छा चलेगा। मुरली नहीं सुनेंगे तो महसूस होगा बुद्धि जैसे डल हो गई है, ज्ञान का चिंतन ही नहीं करती, देने को भी मन नहीं करेगा। लेकिन देने का भी सुख तब मिलेगा पहले जब सवेरे सवेरे बाबा से मुरली के माध्यम से हम सब कुछ ले लेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे मुरली का रस अपने जीवन में भरते चलेंगे, और ये रस हमें कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त करता चलेगा। ईश्वरीय रस, विशेष रूप से उसके प्यार और उसकी गुड फीलिंग जो हमारे लिए होती है, उसकी बहुत अच्छी अनुभूति मुरली के माध्यम से हम कर सकते हैं। आज सारा दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं ब्राह्मण, सुफरिश्ता, सोदेवता, जैसे हमारी दोनों ये ड्रेस, फरिश्ते की और देवता की, देह रूपी ड्रेस, देह रूपी वस्त्र हमारे सामने खूंटी पर टंगे हैं, और मैं ब्राह्मण आत्मा अब इस देह में हूं, इससे निकलकर चलती हूँ फरिश्ते की देह में, कुछ देर में फरिश्ते स्वरूप में हूँ, फिर वहां से निकलकर चलती हूँ देवताई ड्रेस में, कुछ देर मैं अपने देव स्वरूप में हूँ, फिर वहां से निकलकर मैं आत्मा आती हूँ इस ब्राह्मण शरीर में। ये ड्रिल 5 बार अवश्य कर लेंगे,
खेल हो गया ये योग का। इससे हमारे अंदर फरिश्ते के गुण और देवताई गुण बहुत सहज अनुभव होने लगेंगे। देह से डिटैच होने की, अशरीरी होने की ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस रहेगी। तो हर घंटे में एक बार कर लें और आज के दिन को सुखद बनाएं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।